इस तपती हुई गर्मी में हमें तलाश रहती है कोई अच्छे रिफ्रेशिंग से शरबत मिल जाए, घर में मौजूद सामान से ही बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। एक बार बनाएं और पूरी गर्मियाँ उसको हम इंजॉय कर सकें। तो ऐसे ही दो शरबत की रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। ये मैं बना रही हूँ पहले टमाटर का जूस। टमाटर का जूस बनाने के लिए आपने टमाटर लेने हैं, तो मैंने ये चार लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं। ये वाले ही लेने हैं, रेड वाले, हाइब्रिड वाले, देसी नहीं लेना। तो आगे से हल्का सा इसको कट करने के बाद ना छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अब मिक्सी का जार लेके ना इसमें डाल देंगे टमाटर को, साथ में इसको और भी रिफ्रेशिंग बनाने के लिए थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालें, 5-6 होंगे। छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालना है और ये मैंने लिए चुकंदर के बहुत पतले पतले से 2 स्लाइस। तो चुकंदर से क्या होगा, एक तो कलर भी अच्छा आएगा, दूसरा चुकंदर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है तो ये टेस्ट भी बढ़ाता है। अब इसमें नींबू का रस भी जाएगा, नींबू, एक नींबू जितना रस आप इसमें डाल देना, 2 चम्मच के करीब तो डाल ही देना। ये नहीं है कि ये खट्टा हो जाएगा, तो इसको मीठा करने के लिए भी अभी हम इसमें कुछ डालेंगे। तो अभी पानी नहीं डालना है, सीधे इसको ऐसे ही पीस लेंगे। अब इसको छानना भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें सीड्स वगैरह होंगे ना, वो निकल जाएंगे। थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में लेकर इसमें डाल दिया है, तो अब ये तैयार हो गया है। तो इसमें मिलाते हैं कुछ चीज़ें। तो काला नमक मिला रही हूँ मैं, आधी चम्मच के करीब है, आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार मिलाना। और साथ में मिलाना आप भुना हुआ जीरा पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो अब इसमें सारी चीज़ें तो आ गई हैं, पर इसको अभी हमने मीठा करना है। तो इसके लिए मैं इसमें हनी मिला रही हूँ, 2 चम्मच डाली हैं हनी, आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाना। अगर आप हनी नहीं डालना चाहते हो तो इसमें शुगर या मिश्री डाल सकते हो, जिस टाइम हम टमाटर पीस रहे थे ना उसी टाइम डाल देना। ये हेल्दी और रिफ्रेशिंग सा जूस तैयार हो गया है। तो इसको सर्व करने के लिए मैंने पाउडर शुगर ले लिया एक प्लेट में, और साथ में 2 ग्लास लिए हैं। इसके ऊपर मैं नींबू का रस लगा रही हूँ। ग्लास को पाउडर शुगर के ऊपर इस तरह से रखेंगे तो पाउडर शुगर इस पर लग जाएगी। ये देखने में भी अच्छी लगेगी और पीते वक्त इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आइस क्यूब डाल दी है, अब डालेंगे टोमेटो जूस 3-4 टेबल स्पून तक। ऊपर से चिल्ड वाटर डालेंगे, पानी की जगह आप इसे ना सोडा वाटर से भी बना सकते हो। ऊपर से लगा देंगे इस पर नींबू की स्लाइस, लेमन स्लाइस, और पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश कर लिया है। तो देखा आपने कितना टेस्टी सा ये बनकर तैयार हुआ है। इसको आप जब मन चाहे बना सकते हो क्योंकि टमाटर तो घर में होते ही हैं। अब बनाएंगे कच्चे आम का शरबत। इसको बनाकर आप स्टोर कर सकते हो, पूरी गर्मियों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको बनाने का ना बहुत ही आसान सा मैं तरीका आपको बता रही हूँ। तो 3 मैंने लिए हैं कच्चे आम, 250 ग्राम के करीब हैं। इसको छील कर अब इसको कट करना है। तो कच्चे आम जो हैं आप ऐसे ही लेना, जो अंदर से वाइट से हो, पीले वाले हो ना, तो वो नहीं लेना। तो इसको कट करना है तो बहुत छोटे टुकड़े काटने की ज़रूरत नहीं है, कुकर में इसको हमने डालना है। साथ में इसके पुदीना लेना है, तो पुदीना बहुत अच्छी तरह से धोकर लेना, बहुत इसमें मिट्टी होती है, तो 1 मुट्ठी के करीब ये है, इसमें साथ के साथ ही डाल देंगे। और अब पानी डालना है, तो 1.5 कप मैं पानी डाल रही हूँ। और इसमें तेज़ गैस पर हमने विसल लगवानी है, 5 से 6 विसल। जब कुकर ठंडा होगा तो इसको खोलना है। तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैं ले रही हूँ शुगर, तो ये मैंने ली है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर ले रही हूँ मैं 2.5 कप। आप रेगुलर शुगर भी ले सकते हो या आप मिश्री को पीस कर भी ले सकते हो, पर गुड़ नहीं लेना आप इसमें। तो इसमें अब जाएगा पानी, तो पानी मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर से 1/2 कप और 1/4 कप, 1/4 कप इसमें पानी जाएगा। तो इसको अब हमने पकाना है। तो शुगर देखिए मेल्ट हो गई है ना, तो अब मीडियम फ्लेम करके इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, जिससे थोड़ा थिक हो जाए। 5-6 मिनट इसे लग जाएंगे, तब तक हम कुकर को देख लेते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, तो इसमें जो आम थे अच्छी तरह से वो बॉईल हो गए हैं। ठंडा होने पर इनको हमने पीसना ज़रूर है। तो मिक्सी के जार में इन आम के साथ हम डालेंगे थोड़े से मसाले भी, साथ के साथ ही डाल देंगे। जैसे कि इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, रेगुलर नमक 1 चम्मच,
और साथ में जीरा पाउडर जो है ना, भुना हुआ जीरा पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो अब इसको हम पीस लेंगे। 5-6 मिनट हो गए हैं शुगर सिरप को पकते हुए, इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और साथ में ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, हाथ से चेक करने पर ये चिपचिपा तो हो गया, पर इसमें तार नहीं बन रही है, तो तार हमने नहीं बनानी है। अब इसमें डाल देते हैं जो हमने आम पीसे हैं ना, उसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद भी हमें इसको 3-4 मिनट और पकाना है। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, ग्रीन फ्रूट कलर में इसमें डाल रही हूँ 2-3 चुटकी तक। वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अब ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, और 3 मिनट और हो गए इसे पकते हुए। तो ये थिक हो गया है, ये देखिए कलछी के पीछे इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, इतना थिक हो गया है। गैस बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये ठंडा होगा ना तो और थिक हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया, तो गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद इसमें मिलाना है नींबू का रस। तो 2 टेबल स्पून मैंने लिया है नींबू का रस। मिलाने से एक तो इसका टेस्ट बढ़ेगा, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, और साथ में जो हमने इसमें शुगर यूज़ की है ना, वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, यानी जमेगी नहीं। फिर आप इसको पूरी गर्मियों में यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब ये ठंडा हो गया है, तो इसे गिलास की साफ सी बोतल में डालकर स्टोर करना है। आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये पूरी गर्मी भी ख़राब नहीं होगा। तो अब इसको सर्व कैसे करना है, ये मैंने ली है नमक और रेड चिली मिक्स करके। तो गिलास के ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस लगाएंगे, और गिलास को इस तरह से रेड चिली वाली प्लेट पर रखेंगे, तो इस पर रेड चिली लग जाएगी। तो ये नमक और रेड चिली पीने में बहुत अच्छी लगेंगी, और साथ में ना ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें डाल लेंगे जो सिरप बनाया है 2-3 टेबल स्पून तक, आइस क्यूब डालेंगे, चिल्ड वाटर डालेंगे, मिक्स करके इसके ऊपर मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ, और साथ में लेमन स्लाइस लगा रही हूँ। ये देखिए आप कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है, बहुत ही टेस्टी सा बनता है। इसको आप गर्मियों में पिए, जिससे कि आप लू से भी बचे रहेंगे और ठंडक भी मिलेगी। दोनों जूस बनकर तैयार हो गए हैं। आपको इनमें से कौन सा वाला पसंद आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।